दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाना और किसी की यादों में जिंदा रहना है। समझदारी की बातें वही लोग करते हैं, एक ज्यादा उम्र वाले, दूसरा जिन्होंने कम उम्र में बहुत मुश्किलात देखी हों। अच्छा वक्त उन्हीं का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। इंसान परेशानियों की गिनती में माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। अगर नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो नमाज सुकून से पढ़ा करें। अच्छे लोगों की रूह की ग़िज़ा मौसीकी नहीं बल्कि नमाज और कुरान पाक की तिलावत है। बेवकूफ़ औरत अपने शोहर को ग़ुलाम बनाती है और खुद ग़ुलाम की बीवी बनती है। अक्लमंद औरत अपने शोहर को बादशाह बनाती है और खुद उसकी मलका बनती है। कोई चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़र बदलती है। ज़िंदगी की किताब में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ ख़त्म हो जाए और तौबा से पहले जिंदगी। अगर आपको ठीक से नज़र नहीं आता तो किसी पे अंधा एतबार करके देख ले, वो आपकी ऐसी आंखें खोलेगा कि आपको दूर दूर तक साफ नज़र आएगा। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं ये बात मायने नहीं रखती, अलबत्ता ये बात मानी ज़रूर रखती है कि आप अपने आप को कैसा देखते हैं। बेसुकूनी की एक वजह ये भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र अपने रब की बजाय लोगों से करता फिरता है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। कलाम में नरमी अख्तियार करो क्योंकि लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे का असर होता है। ज़िंदगी की हकीकत यही है कि इंसान पल भर में माजी बन जाता है। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की औकात किसी की नहीं होती। चाय के साथ बिस्कुट ने एक सबक तो दिया कि अगर किसी में ज़्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। लोगों का जब दिल भर जाए तो वो किसी न किसी बहाने से आपसे जान छुड़वा ही लेते हैं। खूबसूरती का ताल्लुक नज़र से कम और दिल से ज़्यादा होता है। गली का कुत्ता और वो शख्स एक जैसे हैं जिसके डर से कोई औरत अपना रास्ता तब्दील कर ले। एहतियात बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हों या हद। रिज्क के पीछे अपना ईमान ख़राब ना करना क्योंकि नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत।